हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज कुमार, पंकज इलेक्ट्रिक से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 1500 VA सुकैम का सेट। तो दोस्तों देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहले इन्वर्टर की प्रॉब्लम जानने के लिए हमें पहले DC बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे DC से कनेक्ट कर लिया है और अब मैं इसका स्विच ऑन किया है। स्विच ऑन करते ही फिर कोई प्रॉब्लम, जैसे बैटरी से कनेक्ट किया है उसका सिंबल ये देता है, उसी तरह से बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। तो दोस्तों इसका कार्ड निकाल कर PCB निकाल कर बाहर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके कैपेसिटर जो हैं बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और फ़ैन भी जाम है। अधिकतर ये प्रॉब्लम तभी आती है जब फ़ैन ख़राब हो जाएगा, उसी वजह से कैपेसिटर फूल जाते हैं, उनकी वर्किंग ख़त्म हो जाती है, उसी वजह से अधिकतर ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो चलिए दोस्तों इसकी PCB को बाहर निकालते हैं और आगे का वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों मैंने PCB में कैपेसिटर चेंज कर दिए हैं और अब मैं आगे का वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों PCB को लगा लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने PCB को लगा दिया और PCB बिल्कुल अच्छी तरह वर्क कर रही है। फ़िलहाल इसका इन्वर्टर चल रहा है लेकिन मैं मेन प्लग लगा रहा हूँ और अब चार्जिंग भी शायद चालू हो जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं चार्जिंग भी चालू हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।